हाँ वो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति है जो रात के 12 बजे तक योगी जी के साथ रहता है और सुबह 5 बजे फिर पहुंच जाता है उनके पास, यानी दिन भर उनके साथ घी शक्कर की तरह रहते हैं। तो उससे ज्यादा क्लोज कोई अफसर हो ही नहीं सकता जो पिछले 3-4 साल से अवनीश अवस्थी जी थे। तो ये अपने आप में मैसेज है। दूसरा मैसेज जो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, उनका जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, क्या नाम है उनका, अमित मोहन प्रसाद जी, तो उनका भी हाँ तबादला जिसकी वो मांग कर रहे थे, वो अपने आप में एक मैसेज है। और नवनीत सहगल जी, वो भी योगी जी के बहुत खासम खास थे, उनको खेलकूद विभाग में उनका तबादला होना, ये भी अपने आप में एक मैसेज है। तो ये क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि योगी जी ठीक है, योगी जी हैं, लेकिन उनका एक सीमित कद है। उसको जैसे चर्चा चल जाती है कि भाई मोदी जी के बाद कौन, योगी जी, और अभी से कई बार इधर उधर होर्डिंग भी लग जाते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, और जिस तरह उनकी छवि बनाई जा रही है। और मुझे याद आता है कि 2009-10 में जब आडवाणी जी सर्वे सर्वा होते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उस समय ऐसे ही मोदी जी की छवि जो है वो बनानी शुरू हो गई थी। बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता था या जो संघ का स्वयंसेवक था, वो कहता था कि देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात में। तो उसी तरह मुझे नजर आता है एक पैरेलल, एक समानांतर उसी तरह का एक घटना कि योगी जी को भी अभी से कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। और ये थोड़ा प्रीमेच्योर है क्योंकि 2024 तक किसी और का नाम चले, ये राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं है। तो एक दिल्ली की तरफ से एक मैसेज दिया गया है और उसका अपने आप में एक अर्थ है, और वो अर्थ साफ है कि योगी जी हैं बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे जो है वो दिल्ली है, पीएमओ है, मोदी जी हैं। जी जी विनीता जी, हरिकेश जी, ये पूरी जो तस्वीर है, क्योंकि जब भी अधिकारियों की प्लेसमेंट होती है, जैसे कि अगर हम अवनीश अवस्थी की जगह पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर संजय प्रसाद की एक जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है, वो भी योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी और काफ़ी अच्छे उनके भी रिश्ते हैं, और जो जिम्मेदारी अवनीश अवस्थी की जगह यानी कि जिस अधिकारी को संजय प्रसाद को मिली है, तो वहाँ पर भी उनका कोऑर्डिनेशन काफ़ी दुरुस्त है। तो खुद क्योंकि सीएम ऑफिस में बड़े अधिकारी जब बैठते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन सीएम के साथ ठीक होना ये भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे में आपको क्या वाकई में लगता है कि यहाँ पर दिल्ली कुछ मुमकिन कर पा रही है स्थिति अपने कुछ अधिकारियों को प्लेस कर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।